हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी आपने देखा इतने सारे बच्चे, इन सबसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और आज का सेशन क्या है वो समझिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस सेशन को, आप कई बार बोलते हैं कि सर ट्वेल्थ के बाद क्या करें, और अगर ट्वेल्थ के बाद BCA करते हैं तो MCA का प्रिपरेशन किस तरह से करें और कब से करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर वन कि BCA एक बहुत अच्छा कोर्स है, कई लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। BCA के साथ MCA एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अगर आप MCA NIT JNU या BHU से करते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये जितने भी बच्चे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हैं। इनफैक्ट सारे बच्चे नहीं, कुछ ही बच्चे हैं, क्योंकि एग्जाम्स यहाँ पे ख़त्म हो गए तो ये बच्चे कुछ चले गए। जो बचे हुए उनके साथ मैं आपकी उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाऊँगा। तो मैं पहले एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चे क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं। आपने इस साल का अगर आप लोग ट्वेल्थ कर चुके हैं तो एक सजेशन ये दूंगा कि MCA के लिए एग्जाम्स होते हैं, जैसे NIMCET हुआ, JNU हुआ, BHU हुआ। अगर आप इनका पेपर देखेंगे तो इसमें 11th 12th का मैथ्स आता है, और अच्छे लेवल का मैथ्स आता है। और NIT के थ्रू अगर हम NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद, इन NIT से अगर MCA करते हैं तो लगभग एवरेज जॉब देखें तो 10 से 12 लाख से, और हाइएस्ट पैकेज 30 लाख के ऊपर भी जाता है। पर इन एग्ज़ाम को निकालना वैसे ही है जैसे कि IIT है, वैसे ही NIMCET को निकालने में मुश्किल होती है। तो अगर हम इसकी टाइम पे प्रिपरेशन करें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बच्चे इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि इम्पीटस केवल MCA एंट्रेंस के लिए नहीं जाना जाता, MCA के साथ साथ हम लोग BCA की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे पास कॉलेज एफिलिएशन है जो कई लोगों को नहीं पता। तो इस सेशन का पर्पज़ है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप अगर इम्पीटस गुरुकुल में आते हो और अगर आपने 12th किया तो आप फर्स्ट ईयर से यहाँ पर BCA के साथ साथ MCA की प्रिपरेशन करें। वो किस ढंग से होती है वो भी मैं बताऊँगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग में MCA का एंट्रेंस क्लास होता है और आफ्टरनून में BCA का क्लास होता है। एडवांटेज ये कि एक ही कैंपस में दोनों चीज़ें होती हैं तो आपका कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता। दूसरा, आप मिसगाइडेड नहीं होते, आप अपने आपको फोकस लेके पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट ईयर में बेस प्रिपरेशन करवाई जाती है, क्योंकि कई ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका 12th में मैथ्स नहीं है, अभी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो पहला साल मेरा हमेशा ये कहना होता है BCA वाले को कि अपने मैथ्स पे वर्क करो। सेकंड और थर्ड ईयर अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो बिल्कुल BCA के साथ साथ पहले अटैम्प्ट में MCA में अच्छी रैंक ला सकते हो। और पिछले कई साल के रिकॉर्ड है कि जो बच्चा 2 और 3 ईयर MCA का प्रिपरेशन करता है वो हमेशा टॉप 10 टॉप 100 में ही रहता है। तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि टाइम रहते हुए प्रिपरेशन करिए, जिससे कहीं पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, ड्रॉप ना लेना पड़े। क्योंकि MCA को लेके एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। पर जब से वीडियो सेशन चालू किए गुरुकुल ने, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है, और हम कोशिश यही करेंगे। और मैं चाहूँगा आप लोग भी ये कोशिश करें कि अच्छे कोर्सेज को आगे बढ़ाएं। तो आप इन बच्चों के एक्सपीरियंस सुनिए, जानिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए हमसे कॉन्टैक्ट करिए। इस डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर भी दिया होगा, ये हमारा वेबसाइट है impetusgurukul.com। इसके अलावा इसमें नंबर भी दिया नीचे, आपको कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल फ़ोन करके पूछिए और जानिए। और मैं एक ही सजेशन दूंगा, समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जिससे आपको कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुभजीत पाल, आई केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम BCom ऑनर्स फ्रॉम BCom, एंड आई लाइक टू लर्न अबाउट कंप्यूटर, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन BCA। एंड इन आवर कलकत्ता वी हैव ऑप्शन फॉर BCA from IGNU, because we are not from maths background, that's why every university don't provide us the BCA course, and that will be a main problem for us. That's why I thought that I take that admission in IGNU, but when I little bit research about that, IGNU don't provide some of facilities because there are some difficulties in IGNU. That's why I was little bit confused about that. So at that time I was doing Python course from mysurgery.com, and when and then I contacted Saurabh Shukla sir, and then Saurabh Shukla sir gave me the number of Sarath sir, and I contacted Sarath sir regarding this problem, and Sarath sir told me that if you did BCA, if you did BCom, then you also can do MCA, but you don't be eligible for NIMCET examination. That's why I take BCA. But then is another problem that I can't go do BCA from IGNU. That's why Sarath sir told me that it will be better to for you. You can come here and do BCA from IMPETUS Gurukul, because IMPETUS Gurukul has the affiliation of Makhanlal Chaturvedi University. So I gave up the BCom and I take the admission in BCA. Even I can do the MCA without doing BCA, but if anyone belongs to BCA, that will be extra for them for doing MCA, because in MCA
whatever you learned in BCA, everything will be in MCA, but some little bit advanced there. So it will be very convenient for us to do the MCA after doing BCA. And the special thing from here, IMPETUS Gurukul, we get a very user-friendly environment from here. Here everyone helps us, even faculties and every students and every seniors help us to do for studying us. Thank you. अब देखिए जैसा इस स्टूडेंट ने अभी बताया, आप सोचिए कि इसके 3 semester इसने बीकॉम किया, कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, वेस्ट बंगाल से आया हुआ है, कलकत्ता के पास की एक जगह से. मिसगाइड नहीं हो, ये सेशंस के भी पर्पस यही होते हैं. तो पहले 3 semesters फालतू गए, अब फिर उसके बाद समझ में आया नहीं, अगर IT फील्ड में जाना है तो बीकॉम के थ्रू ऑप्शंस कम हो जाते हैं, ऐसे में क्या किया जाए. सौरभ सर का वीडियो सेशन देखा, उसके थ्रू इसको गाइडेंस मिला और फिर इसने यहाँ पर इम्पीटस में कॉन्टैक्ट किया और अभी आके यहाँ पर इसने BCA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया और अब BCA के साथ MCA की प्रिपरेशन करेगा. ये सेशन का भी पर्पज़ है, आप हमेशा बोलते हो, सेशन भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम समय रहते हुए अगर राइट डिसीजन लें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती. जो वो 1.5 ईयर आपका लॉस हुआ, वो लॉस इसलिए हुआ कि कोई बताने वाला नहीं था. तो हम भी ये चाहते हैं कि बच्चों को ये समय रहते हुए पता चले कि क्या करना चाहिए. तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, मेरा नाम हासिब है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा टाउन है बिलाताल, वहाँ से आया हूँ. और जब मैंने 12th किया तो वहाँ पर आपको इंटरनल नॉलेज तो बहुत देते हैं वो, लेकिन जब कोई बाहरी नॉलेज के क्या करना है गाइडनेस वहाँ पर नहीं मिलती है. तो वहाँ पर कुछ पता नहीं चला, जैसे ही 12th हुई तो मार्क्स तो अच्छे आ गए लेकिन आगे पता नहीं था कि करना क्या है. तो फिर बहुत जगह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, पॉलीटेक्निक का फॉर्म बहुत कुछ किया, लेकिन फिर फाइनली मेरा एक फ्रेंड है अमन और उसका एक फ्रेंड है अभिषेक, इसने उसे बताया कि एक NIMCET के थ्रू आप MCA में एडमिशन ले सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकते हैं. तो फिर मैं यहाँ पर चला आया. जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कैसा मिलेगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, लेकिन जब मैं आया तो पहले ही दिन मेरा पहली क्लास में डाउट दूर हो गया, क्योंकि जब सरस सर मुझे मिले तो उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैथ मुझे पहले से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पढ़ने लगा. और फिर जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने शिवम सर से बात की थी तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया कि मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट. और फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ हमें अच्छे से समझा दिया और मैंने यहाँ BCA करना स्टार्ट कर दिया और साथ में सरस सर MCA की प्रिपरेशन भी करवाने लगे. जैसा कि आपने बताया कि हम लोग पॉलीटेक्निक कर रहे थे और इवन हम लोग तो पॉलीटेक्निक के लिए एक साल का ड्रॉप भी लेने वाले थे, फिर तभी मेरे एक फ्रेंड वहीं पास का अभिषेक, उसने मुझे NIMCET के बारे में बताया कि NIMCET क्या होता है, ये कब किया जाता है. तो फिर मैंने यूट्यूब पर देखा, सर की वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि NIMCET एक कोर्स है और इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने शिवम सर से बात की, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि ये NIMCET क्या होता है, इसे क्या करने के बाद क्या होता है. तो मैं यहाँ भोपाल आ गया बिना कुछ सोचे हुए. फिर जैसे ही मैं भोपाल आया तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ आपको कोई अगर डाउट आता है तो आप किसी के सीनियर के पास जाकर तुरंत पूछ सकते हैं, या सीनियर से वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते तो आप सीधा सर के पास जाकर पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझाएंगे. और जैसा कि अमन ने अभी बताया, यहाँ पर फैकल्टी काफ़ी अच्छी हैं और जब भी मैं यहाँ पर आया तो कुछ जैसे ही कोई भी मुझे डाउट होते थे तो मैं डायरेक्ट सर के पास चला जाता था, तो वो भी बताते थे और कोई सीनियर है तो उनसे भी पूछ सकता था. और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि डिसिप्लिन, यहाँ पर डिसिप्लिन में रहकर सब लोग पढ़ाई करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है कि क्लास में बैठे हुए कोई सो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं. सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि इतने इंटरेस्ट के साथ सब पढ़ते हैं कि किसी कोई मैथ में बोर होता ही नहीं है. और उसके अलावा शिवम सर हमें BCA में जो गाइड करते हैं तो वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ. और सभी टीचर्स यहाँ BCA में बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ NIMCET अच्छे से क्रैक कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं क्रैक कर लूँगा अच्छी रैंक के साथ. NIT कॉलेज में प्लेसमेंट मेरा हो. मैं अब यहाँ BCA के बारे में बताऊँगा. तो जब मैंने BCA की पहली क्लास ज्वाइन की तो यहाँ पर मैथ का सब्जेक्ट था मेरा, तो शिवम सर पढ़ाते हैं यहाँ पर मैथ. तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता कि आपको NIMCET की क्लास रेगुलर करनी है या बिल्कुल आना ही आना है. तो यहाँ पर हमारे शिवम सर मैथ पढ़ाते थे BCA में, तो उन्होंने इतना ही अच्छे से मैथ पढ़ाई कि मैथ के सारे कंसेप्ट मजबूत हो गए. और मुझे लगता है कि BCA की फैकल्टी यहाँ की बेस्ट है और मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की और मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ से NIMCET का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा. और मैं भी यहाँ आकर खुश हूँ क्योंकि ये मेरा राइट डिसीजन था और मैं फाइनली सही जगह आ गया और मेरी अब अच्छे से सारी प्रिपरेशन चल रही है और सर मुझे अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ.
और मैं सही जगह आ गया। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके बाद शिवम सर ने सब कुछ अच्छे से वन बाई वन एक्सप्लेन किया और मैं अभी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हूँ कि मैं आसानी से BCA और MCA दोनों ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, अभी जैसा इन दोनों बच्चों ने बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हमें गाइडेंस समय पे नहीं मिल पाता। पॉलिटेक्निक करने का सोचे थे पर एक दोस्त के वजह से देखिए आज कहाँ पर हैं, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया जाए तो उसका हमेशा अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने सही डिसीजन भी लिया, आप अच्छे से पढ़ाई भी करते हो, फर्स्ट ईयर हो गया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे हमारा प्रेशर नहीं होता, पर इस साल से आपको पूरे 2 साल तक बहुत ही कंटिन्यूस BCA के साथ साथ MCA की प्रिपरेशन भी करनी है। और इस बार तो आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर वाले भी अभी से कर रहे हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ऐसा है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या वधारिया एंड मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि मेरा 11th एंड 12th जो था वो कॉमर्स प्लस फिजिकल एजुकेशन वाला था, मतलब मैं कम्प्लीटली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाली हूँ। यहाँ पे आई मैं बेसिकली यहाँ पे BCA की क्लासेस के लिए आई थी। यहाँ पे फिर सून प्रतीक सर भी मिले थे जिनने उन्होंने बताया कि यहाँ पे NIMCET की भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे NIMCET से ऐसा होता है कि एक तरफा ये रहेगा कि मतलब ना ही मुझे दूसरे कॉलेज में और ना ही कोचिंग क्लासेस के लिए इधर से उधर टाइमिंग का वो इशू भी नहीं होगा। यहाँ पे जो रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं उससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हाँ वो पर्टिकुलरली एक अच्छे सब्जेक्ट को या एक अच्छे टॉपिक को अपने आप को कैसे थ्रू आउट में प्रिपेयर कराते हैं। यहाँ पे BCA में भी हम लोग के मिड सेमेस्टर्स प्लस PUT कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें हम लोग का एक तरीके से टेस्ट टाइप हो जाता है और हम लोग को एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि हम लोग माखनलाल में भी जाके एक अच्छे से BCA के लिए रिजल्ट दे सकते हैं करके। यहाँ पे हम लोग की शेड्यूलिंग भी ऐसी है कि सुबह के 8 से लेकर रात के 8 तक के रहता है, जिसमें सुबह को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रतीक सर क्लास लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग के पास एक थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का 1 घंटे का सेशन होता है एंड उसके बाद 10 से लेके 12 बजे तक के हम लोग की फिर BCA की क्लासेस होती है। उसके बाद फिर हम लोग का सेल्फ स्टडी सेशन रहता है, मतलब यहाँ पे मेरे को ना ही कॉलेज का वो टाइमिंग का इशू है ना ही कोचिंग की टाइमिंग इशू है। यहाँ पे एक्जैक्टली मतलब हर तरीके से पढ़ाई को लेके बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। इवन जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो मेरे को याद है कि मैं मतलब फ़र्स्ट सेकंड डे पे इतना नर्वस हो गई थी मैथ्स की क्लासेस देख के, तो मैं शरद सर के पास गई थी तो उन्होंने और मोटिवेट करा था मुझे कि नहीं तुम कर सकती हो करके। एंड यहाँ पे 3 साल से ये BCA एंड MCA करने का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपका टाइमिंग इशू फर्स्टली नहीं होगा, सेकेंडली आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ही फोकस करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, सेकेंडली आपके लिए रेगुलरली टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें कि आप अच्छे से और अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि कोई बच्चा डाइवर्स नहीं होता अपने किसी भी ट्रैक से लेके, चाहे मतलब जैसे BCA प्लस MCA की तैयारी करे तो उसी को लेके डिवोटेड रहता है एंड कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब BCA करने के बाद किसी और फील्ड में डाइवर्ट हो जाएगा, वो कम्प्लीटली फिर इसी चीज़ को लेके डिवोट हो जाता है। थैंक यू। जैसा कि देखिए अभी तान्या ने बोला, जब बच्ची आई थी अपने फादर के साथ, नॉर्मली मैं हर एक बच्चे से बात करता हूँ मिलता हूँ, तो इसका बेसिक पहला प्रॉब्लम था कि सर मैं BCA तो कर लूँगी पर मेरी प्रॉब्लम यह कि मुझे मैथ्स नहीं आता और मैथ्स में बिल्कुल क्योंकि कॉमर्स से पढ़ा हुआ था मैथ्स से काफ़ी डर लगता। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए यही एडवांटेज होता है कि अगर हम समय पे रहते हुए प्रिपरेशन करें तो प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट ईयर तो इसको मैथ्स को समझने में लगा, पर अब ये सेकेंड ईयर में है, यानी अब ये परफॉर्मेंस ईयर है इसका और नेक्स्ट ईयर आपको अपना रिजल्ट देना है। तो सही समय के फ़ायदे होते हैं और एक ही कैंपस में रहने से जो इसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि माइंड डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार हम क्या होता है मिसगाइडेड हो जाते हैं, हमने डिसाइड किया कि हमें ये एग्जाम देना है, कोई 4 लोग मिले किसी ने और बात की किसी ने और बात की। तो मेरा एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते हो लाइफ में जो भी करना, जरूरी नहीं है क्योंकि ये BCA के साथ एक MCA अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, सब कुछ है, इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर अगर आप जो भी कोर्स डिसाइड करते हैं उसका अगर फोकस आपने लॉन्ग टर्म रखा तो उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और आप अपने फोकस को बना के रखो, अब जो मैथ सीखा है अब उस पर परफॉर्म करना चालू करना, उसका फ़ायदा उठाना है ना। यहाँ पे रहने का एक बेनिफिट भी ये है कि यहाँ पे आपको मोटिवेशन बहुत अच्छी मिलती है एंड अपने काम को लेके आप इतने वो हो जाते हो कि आपको ना उसके अलावा कुछ और सोचता भी नहीं है कि मतलब, और आपको यहाँ पे इतना हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा कि यहाँ पे सब आपकी हेल्प भी करते हैं, इवन स्टूडेंट्स हो चाहे फैकल्टी हो, फिर अगर आपको डाउट क्लास भी में कुछ वो हो तो आपको सारी टीचर्स अवेलेबल रहती हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नॉट अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं होते तो आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना आपको अप्रिशिएट करके आपको कभी मोटिवेट कर देंगे ना, आपके डाउट्स भी अच्छे से क्लियर कर देंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ और मेरा 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ है और मैंने यूपी हिंदी बोर्ड यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है और मैं जो कि
फर्स्ट सेमेस्टर मैंने BCA कंप्लीट कर लिया था, पर वहाँ पे मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही थी और मुझे अच्छे से मतलब सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, और वहाँ की फैकल्टी थोड़ा हाई थी, महंगी फीस थी, तो इस मेरे घर पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं वहाँ से BCA नहीं कर पाया। और सर फिर मुझे यहाँ पे YouTube चैनल मैं देख रहा था मैथ्स की क्लासेस के लिए, क्योंकि BCA में मैथ्स और MCA में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं YouTube पे चैनल देख रहा था मैथ्स की, तो मुझे सर की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, और मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, BCA बस मैं कर रहा था वहाँ से। और फिर उसके बाद मैंने सर को कॉल किया, तो सर प्रतीक सर से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से MCA भी होता है, और यहाँ मैंने वहाँ से वहाँ की फ़ीस जानी, तो वहाँ यहाँ की फ़ीस बहुत ही मतलब अच्छी थी, जो कि मैं MCA भी कर सकता था, MCA की प्रिपरेशन भी कर सकता था NIMCET की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने मेरा एक दोस्त था जो मेरे वो भी BCA ही कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि तुम चले जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगी तुम्हें, और तुम अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और तुम्हारा BCA भी अच्छे से हो भी जाएगा, और तुम्हें ज़्यादा फीस भी नहीं पे करना हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे चला आऊँगा। तो फिर मैं घर से बात की, मैंने पापा से बोला, पापा ने बोला हाँ बेटा तुम जो अच्छा लगता है वो करो, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें। तो फिर यहाँ पे मैं प्रतीक सर से बात की, प्रतीक सर ने मुझे CM सर का नंबर दिया, और मैं यहाँ पे आ गया, और सर से मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर मुझे यहाँ पे किसी कोई जानकारी नहीं है, मैं सर पहली बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, CM सर मुझे इन्होंने अच्छे हॉस्टल दिलाया यहाँ पे, तो कि डायरेक्ट मैं गोरखपुर से जब यहाँ आया ट्रेन से, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे इम्पीटस गुरुकुल में मैंने आया, और आके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे देखा रैंकिंग सबकी अच्छी अच्छी थी, तो मैं आया यहाँ पे और हॉस्टल मुझे अच्छा मिल गया, अच्छे हॉस्टल मिल गए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट डे जब मैंने क्लास किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ मुझे बहुत ही गाइडेंस मिल रही थी, सर शिवम सर मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, और मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया, और अभी मैं बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि अभी जैसा चल रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, और दोपहर में लंच करके फिर दोपहर में फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ना, और फिर मैं शाम को चला जाता हूँ 8 बजे तक खाना खाने, फिर उसके बाद मैं अच्छे से वहाँ तैयारी करता हूँ, फिर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सर से सीनियर्स लोग से भैया लोग से अच्छे से बोल देता हूँ, सारी बातें क्लियर कर देता हूँ, तो वो बहुत अच्छे से मुझे गाइड करते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मोहित गुरबानी है और मैं भोपाल से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा ये कोचिंग ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे को NIMCET क्लियर करना है एनी हाउ। सो मैं यहाँ पे बात करने आया, और मेन चीज़ ये कि मेरे जो बड़े भैया हैं भरत गुरबानी, उनने भी यहाँ से NIMCET की प्रिपरेशन की थी, सर से 2 या 3 साल ही छोटे थे वो उस टाइम, सो उनने भी काफ़ी साल हो गए उनको, उनने यहीं से प्रिपेयर किया था NIMCET के लिए, और वो आज काफ़ी अच्छी जगह पे हैं। सो वो डाउट तो मेरा क्लियर हो जाता है आज कि यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं ना, उस हिसाब से हम ढलते हैं। सो यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सराउंडिंग अच्छी है, और सराउंडिंग अच्छी है तो ऑब्वियस ही बात है आप अपने आप उस वे में आ जाओगे। और जैसे मैंने यहाँ पे NIMCET पहले ज्वाइन करने का सोचा था, उसके बाद मैंने यहाँ जैसे ही उस MCA के लिए ज्वाइन किया, सो मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा, काफ़ी जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे सर शिवम सर हैं और प्रतीक सर हैं, इन लोगों से पूछा मैंने कि मेरे को BCA कहाँ से करना चाहिए। तो उनका भी बोलना यही था कि BCA आप यहीं से करिए, तो उससे आपके काफ़ी फ़ायदे हैं। फ़ायदे ऐसे हैं कि जैसे हम पहले सुबह सुबह कॉलेज जाएँ, कॉलेज के शेड्यूल से बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद आप यहाँ कोचिंग आओ, तो वो बहुत टायर्ड हो जाता था, और मतलब टायर्ड हो जाएगा आपके लिए। सो वो पूरा डे आपका ऐसा रहेगा कि हाँ टायर्ड। और इसके बाद जहाँ आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ आप सुबह से क्लासेस आइए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है तो उसकी भी आपके लिए कन्वीनियंस है कि आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल आपको पढ़ना ही है बैठ के, स्ट्रिक्ट बैठ के और ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी सी रेस्ट भी कर सकते हैं। तो उससे ऐसा कि फैमिली जैसी सराउंडिंग मिलती है, और मेन किसी भी इंसान को यही चाहिए सराउंडिंग। बच्चे ने बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने एक नाम लिया भरत गुरबानी। 2005 का स्टूडेंट था मेरा,
क्या होता है कि अगर फैमिली में एक कोई पर्सन अच्छा निकल जाए, जैसे आप सौरभ सर के हमेशा वीडियो देखते हैं, वो मेरे स्टूडेंट थे, वो बताते भी हैं, उनका ऑल इंडिया 6 रैंक था, पर उन्होंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया था क्या करना है, और उनकी छोटी सिस्टर, क्योंकि पहले से पता था भैया सिलेक्टेड हैं, फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन किया और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई। ऐसे ये बच्चा भरत गुरवानी का ब्रदर है, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं था कि इम्पीटस में नहीं आना, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं कि इम्पीटस में बीसीए भी होता है, इसलिए इसने यहाँ पर एमसीए के लिए बात करने आया था, पर जब इसको पता चला तो बीसीए भी ज्वाइन किया। एक और चीज़ बताऊंगा कि भरत के बारे में, कि भरत जो बच्चा है वो मेडिकल शॉप पे काम करता था, और वहाँ जॉब करते करते उसको समझ में आया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। फाइनल ईयर के बाद फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना होगा, फिर वो मिला यहाँ पर इम्पीटस में, फिर एमसीए का प्रिपरेशन किया, मैनेट से एमसीए किया, और अभी यूएस में है ना, कैनेडा में, अभी पहले यूएस में था, फिर उसके बाद कैनेडा शिफ्ट हो गया। अब ये क्योंकि इसका छोटा भाई है, तो इसको ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना कोई डाउट कि क्या करना है। और यही चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा, इन सेशन का भी पर्पज़ है कि अगर आप टाइम रहते हुए, क्योंकि एक इंसान के आगे बढ़ने से पूरी फैमिली आगे बढ़ती है, तो मैं आप सबको एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको खुद को भी आगे बढ़ाना है और आने वाली जनरेशन को भी आगे रखना है, इसलिए बिल्कुल टाइम पे ही डिसीजन लेना है। ये अकेला नहीं आया, इसके साथ इसका कजिन भी आया, मैं उससे भी मिलवाता हूँ, आ जाओ आप भी। और ये दोनों बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इनको एमसीए को लेके कोई डाउट नहीं था, थोड़ा कन्फ्यूजन ये था क्योंकि इनको ऑलरेडी पता नहीं था। तो अब आप अपने बारे में बताओ और भैया के बारे में बताओ, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण गुरबानी एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। मेरा बोलना तो ये है कि मैं अभी पहले फर्स्ट टाइम है मेरा कैमरा फेस करने का, लेकिन मेरा ये पक्का है कि ये लास्ट नहीं होगा मेरा इम्पेटस में कैमरा फेस करना। मैं तो ये बोलूँगा कि मैं एक तो बस निमसेट सोच के आया था, और कुछ भी समझ नहीं पता था मुझे कि क्या करना है, बस निमसेट सोच के आया था। फिर मैं जब इम्पेटस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बीसीए भी है, और फिर मैंने बहुत लोगों से पता करा कि क्या करना चाहिए, कॉलेज से करना चाहिए कि इम्पेटस से करना चाहिए। तो फिर बहुत लोगों से बात हुई तो मुझे ये बात पता चली कि बीसीए सिर्फ इम्पेटस से करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा है कि पहले अपन को कॉलेज की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर बीसीए की कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तीसरी निमसेट की क्लास, और उससे क्या होगा कि बच्चा निमसेट पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हमने फिर सर से बात करी, फिर सर ने हमें गाइड किया कि आपको ये करना चाहिए कि आप इम्पेटस से ही बीसीए करें, जिससे आपकी कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो आप कॉलेज की क्लासेस और बीसीए की कोचिंग दोनों मिक्स होकर एक ही टाइम पे चलेंगी, और जिससे आपका टाइम सेव होगा, और उस वही टाइम पे आप निमसेट पे ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। और मैंने अभी 12th दी है, और मैं फर्स्ट ईयर से मैंने इम्पेटस ज्वाइन करी है। थैंक यू। आप सबके लिए एक सजेशन और है मेरा, जैसे काफ़ी बच्चे उससे कतराते हैं कि हमारा 11th में 12th में मैथ्स नहीं था तो हम बीसीए नहीं कर पाएंगे, या ऐसा या वैसा, आप यहाँ ज्वाइन कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको बेसिक से पढ़ा जाएगा, तो उससे आपको वो कमी महसूस नहीं होगी कि आपने 11th और 12th में मैथ्स नहीं लिया था, उसकी आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ आपको बेसिक से पढ़ाएंगे तो उससे आपका क्या बेसिक से स्टार्ट होगा, तो उससे आपको अच्छी मैथ्स आ जाएगी और फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनैना विश्वकर्मा। मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से, मैंने 12th मैथ्स ही करा है, बट मेरा एक साल गैप हो गया था कुछ घर की प्रॉब्लम्स के कारण। उसके बाद फिर मैंने सर की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो फिर मैंने अपने पापा से बोला कि आप मुझे सर से बात कराइए। तो पापा की जान पहचान थी सर से, तो सर से हमने अच्छे से मिला, सर से बात करी, सर ने हमें बताया। उसके बाद मैंने फिर बीसीए करने का प्लान बनाया। उसके बाद मुझे मिस्टर शिवम सर मिले, जिन्होंने मुझे पूरी बातें बताई कि बीसीए करने के साथ साथ कैसे तुम करते, क्या करना है, इसके आगे क्या, बीसीए के बाद क्या होगा, नीमसेट के बारे में बताया, पूरी एजुकेशन के बारे में बताया। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, वैसे मेरा क्योंकि बैकग्राउंड सब हिंदी मीडियम था और सारी टर्मोलॉजीज जो थी सब इंग्लिश में थी। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया कि सारी टर्मोलॉजीज वैसे भी तुम्हें इंग्लिश में ही मिलने वाली है, तो इससे अच्छा क्यों ना तुम पूरा इंग्लिश में ही करो, तो फिर सीबीएसई पैटर्न से। तो फिर मुझे यहाँ के फैकल्टीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, अब मैं पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ती हूँ, मुझे अच्छे से समझ में आता है सब चीज़, और मेरे पेपर भी बहुत अच्छे गए, और मैंने रिज़ल्ट भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत अच्छा था, और मैं चाहती हूँ कि और भी सेमेस्टर मेरे अच्छे से निकले। और यहाँ की सारी फैकल्टीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, इवन मेरे फ्रेंड्स भी, और
यहाँ पे हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी हैगी, और जैसे कि हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हमें यहाँ फॉर्म भरना, यहाँ दौड़ना, वहाँ दौड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे सर के पास आए, उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया और हमारा एडमिशन हो गया, और नेक्स्ट डे से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, पहले बेसिक्स, उसके बाद डिफ़िकल्ट, और फिर जो पेपर्स के क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर सर जो हमारी फैकल्टी है वो ये नहीं सोचती कि बच्चों को सिर्फ मेहनत करनी है, वो हमारे साथ साथ लगातार दिन रात लगे रहते हैं। सुबह 7 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश की हो, कंप्यूटर की, और जैसे जैसे पेपर पास आते हैं वो हमारे साथ पूरा जितना हमें मोटिवेट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं लेकर पेपर को, लेकिन वो हमें हर पल हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि हमारे जो दूसरी जगह से आते हैं बच्चे, उनके साथ उनकी फैमिली नहीं होती है, बेसिकली मैं भोपाल से हूँ लेकिन मेरे साथ तो मेरी फैमिली है, बट जो बाहर से आते हैं अदर बच्चे उनके पास उनकी फैमिली नहीं होती है, बट यहाँ की फैकल्टीज इतनी अच्छी हैं कि उन्हें अपने मतलब घर की याद नहीं आने देती है, और बहुत ही अच्छे से बताती है सब चीज़ें, बहुत ही अच्छे से बताती है, और हमें इम्प्रूव करना है, कैसे हमें डेवलप होना है, कैसे सबको फेस करना है वो हमें बताती है कि। और हमारे बीसी के क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आप आइए यहाँ पर देखिए और पढ़िए, और अगर आप 3 साल मतलब बीसी के फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी एजुकेशन तो आपको एमसी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं आपसे भी आशा करती हूँ कि आप भी यहाँ पर आके पढ़ें, और यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ से, और आप आइए और पढ़िए, और मैं आपको मेरे लास्ट ईयर में आपको निमसेट का अच्छी रैंक में रिजल्ट ला के दिखाऊँगी और वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कुमार ठाकुर है, मैं झारखंड से हूँ, और मैं सर की वीडियो देखता था कभी कभी, तो पता चला कि यहाँ पर से BCA होता है, मतलब निमसेट की तैयारी होती है, तो हम तो पहले हम BCA का तैयारी करने खोज रहे थे, तो पता नहीं था मुझे कि यहाँ पर BCA प्लस MCA भी होता है। उसके बाद सर के डिस्क्रिप्शन में नंबर आता है और वेबसाइट भी है सर का, तो हम बात किए सर से, शिवम सर से पहले, तो पता चला कि यहाँ पर ये दोनों एक ही साथ होता है, BCA प्लस MCA। तो मैंने सर से बात किया था तो पता चला कि यहाँ पर BCA प्लस MCA होता है। उसके बाद जा करके सर ने बताया, एड्रेस वगैरह बताया, फिर मैं यहाँ भोपाल आ गया। उसके मेरे तो अभी क्लास स्टार्ट हुए, मैंने 12th दिया और उसके बाद यहाँ आ गया। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। So my name is Amritesh Kumar and I hail from Bihar. I joined IMPETUS 1 year back when my 12th results get out. I come from science background, so I decided to join BCA in the IMPETUS Institute of Professional Education, which is affiliated to Makhanlal Chaturvedi Journalism University. So I have completed my first year successfully and I am here to give you a review of this BCA plus MCA course which is being offered at IMPETUS Gurukul. So what this course provides you is a 3-year exhaustive preparation of MCA, plus it will give you a degree that is bachelor's in computer application, so that you will be eligible to apply for NIMCET. What are the merits which you get in this program is that in a single institution, in a single place, you have to manage your college as well as your coaching. So it saves a lots of transportation cost and time, which is a major problem in today's world. And as you all know that NIMCET 2019 paper was unexpected and it has break all the records of previous NIMCET papers, so it's very needed to be focused and concentrated. So this course will make you prepare for any kind of question paper level of NIMCET, I can assure you that. So I will give you a brief review of how my daily schedule starts. So around
7 or 7:45 I leave from my home, and around 8 o'clock I reach IMPETUS Gurukul, and from 8 o'clock to 9:30 our first mathematics class, which is taken by our faculty Pratik Jain sir, and then our session of self study gets started. Then we took a half hour lunch break in around 12:30 to 1 p.m. and then around 4:30 p.m. to 6 p.m. sir takes another class, and then after till 9 p.m. we do self study and then go to home. So this is a schedule, and in between when the semester is going on, college classes was also taken. It is not that much exhaustive, it's only of 2 to 3 hours, so you will not feel burden of the college and the coaching. So that's my review. Thank you everyone. जैसा कि अभितेज ने बताया, देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, बच्चा लास्ट ईयर आया था बिहार से और इसने बीसीए के साथ एमसीए का प्रिपरेशन कर रहा है. सबसे अच्छी बात यह होती है, क्या होता है जब कुछ कई बच्चे ऐसे भी यहाँ आते हैं जो दूसरे स्टेट से बीसीए कर रहे होते हैं, इवन भोपाल में भी दूसरे कॉलेज से, तो उनको दो बेसिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो एक ये कि अगर सपोज भोपाल में ही कर रहे हैं तो कॉलेज का शेड्यूल अलग होता है, और यहाँ पर क्योंकि दो टाइम क्लास होती है वो अलग होता है, या किसी दूसरे स्टेट से करते हैं तो वो बीच में नहीं आ पाते. तो इम्पिटस में रहने का फ़ायदा ये कि सेम कैंपस में मॉर्निंग और इवनिंग में कॉम्पिटेटिव क्लास होती है, एमसीए के लिए क्लासेस होती हैं, और आफ्टरनून टाइम में बीसीए की क्लास होती है. यानी एक ही समय में एक ही कैंपस में स्टूडेंट 8 बजे आते हैं और रात को 8 बजे तक रुक के पढ़ाई करते हैं, और बहुत अच्छे से इनका मैनेजमेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि इनके पास सफिशियंट टाइम है. अगर 3 ईयर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली स्टडी करे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो न केवल बीसीए में, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी वो प्लान करता है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. और अभी ये क्योंकि सेकेंड ईयर में, मैं बिल्कुल श्योर हूँ नेक्स्ट ईयर जब इसका फाइनल ईयर होगा तो आपके साथ ये फिर मिलेगा और सिलेक्शन के साथ मिलेगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. जैसे कि हमारा क्लास रूटीन सुबह 8 से 8 तक रहता है, फिर 8 से 10 तक क्लासेस रहती हैं, मैथ्स की क्लास रहती है, फिर उसके बाद 11 से हमारे फिर बीसीए के कॉलेज क्लासेस हो जाती हैं, 11 से 3 तक रहती हैं, फिर उसके बाद सर के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं 4 से 6 तक, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है, फिर डाउट क्लासेस होती हैं. ऐसे आप सबके टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपका ये सारी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, आने जाने का टाइम, फिर ये सब बहुत टाइम बेकार होता है. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है, मैं दिल्ली से हूँ. मैं इम्पिटस गुरुकुल का बीसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और साथ में एमसीए की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे दिल्ली से यहाँ आने का बेनिफिट क्या मिला और बीसीए के साथ साथ एमसीए करने का बेनिफिट क्या मिला. क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम आती है कि यदि बीसीए कर रहे हैं तो एमसीए का निमसेट की प्रिपरेशन मैनेज नहीं हो पाती है, और काफ़ी भागदौड़ हो जाती है जिससे कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता. तो यहाँ पे आने के मुझे इस दोनों चीज़ की बेनिफिट मिली. क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था. मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता था कि मैं तैयारी कैसे करूँ. इनफैक्ट पहले मैं मिसगाइडेड भी था, क्योंकि मेरे पे कोई सपोर्ट नहीं था, बैकग्राउंड सपोर्ट, कि सूरज तुम ये कर लो, तुम ये कर लो. प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं काफ़ी मिसगाइड हो गया. बट मुझे सरस सर का पता लगा, मैंने सर को फ़ोन किया, इन्होंने बोला तुम भोपाल आ जाओ. मैं जब इनसे पर्सनली मैंने बात करी, इन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम बीसीए की यहाँ से एडमिशन लो और साथ में एमसीए की भी प्रिपरेशन करो. फ़ायदा इससे क्या हुआ, मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया और साथ में एमसीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. आज मैं सेकेंड ईयर में हूँ और 2 साल में मेरी ऑलमोस्ट एमसीए की जो निमसेट का जो सिलेबस होता है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. साथ में मैं बीसीए को भी मैनेज कर रहा हूँ. तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम थी यहाँ आने के बाद मेरी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई. साथ में यहाँ का जो मैथ्स का जो प्रिपरेशन होता है एमसीए में, वो आपने वीडियोज़ देखा होगा यूट्यूब पे सर का, तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए. कि कोई भी डाउट हो या कोई भी क्लासेज हो वो मैं अटेंड करता था, साथ में रीजनिंग वगैरह सब पे फोकस कर रहा था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है. जो अब इनफैक्ट लोगों को डाउट्स वगैरह भी आते हैं तो इनफैक्ट मैं बता देता हूँ. तो मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि यदि आपसे
दो चीज़ें हैं कि यदि आप BCA में एडमिशन लेना चाहते हो, इनफैक्ट आपने अभी जस्ट 12th क्रॉस किया है, और यदि आप कुछ करना चाहते हो लाइक MCA के प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कहीं भी रहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली में क्लासेज की कमी नहीं है। दिल्ली में काफ़ी कॉलेजेज हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी क्लासेज वगैरह हैं, बट वहाँ पर क्या था कि भागदौड़ वाली लाइफ पे वो टाइम मैनेजमेंट वो माइंड का सेट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे आने पे इस चीज़ का बेनिफिट मिला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आपने 12th पास कर लिया है, 12th आप कर चुके हो, और यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यदि आपका गोल है कि आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आकर BCA में एडमिशन लो। BCA की तैयारी के सारी जो कॉलेज की प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि BCA के भी यहाँ फैकल्टीज हैं जो उस चीज़ की तैयारी कराते हैं, साथ में उनको पता है कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो MCA की भी तैयारी कर रहा है, तो वो चीज़ भी आपके क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ फैकल्टी को पता होती है कि ये दो दो चीज़ें बंदा मैनेज कर रहा है, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में MCA के सरस सर तो हैं ही, सरस सर हैं, प्रतीक सर हैं, जो इस चीज़ की तैयारी कराते हैं। दूसरी बेनिफिट क्या होगी कि आपका टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम थी, जो माइंड में ये सेट होता रहता है कि अब मैं क्या करूं यार, ये चीज़ कैसे कंप्लीट होगी, इस चीज़ को मैं कैसे करूं, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सिलेबस के लिए, हर टॉपिक के लिए एक टीचर है जो आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में यदि आपके फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आप उस चीज़ के लिए भी सर से बात कर सकते हो, आप उस चीज़ के लिए भी सर को बोलोगे इम्पिटस का ये रिकॉर्ड है, कोई भी बंदा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वापस नहीं गया, तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप MCA की प्रिपरेशन कर लोगे तरीके से, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि जो 19 का पेपर आया था उसका 18 और 2018 और उसके पहले के पेपर से काफ़ी बढ़िया लेवल है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से दो साल तो कम से कम एटलीस्ट दो साल तो चाहिए। यदि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, यदि आपकी मैथ्स वीक है, तो आप पहले साल में अपने बैक जो फाउंडेशन होता है उस पे फोकस करोगे, और सेकंड ईयर में जो क्या होगा कि आप अपने लेवल को इंक्रीज करोगे जो जिस हिसाब से पेपर आया था, तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आने से आज तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है कि मैं लोगों को अब डाउट बता सकता हूँ। इनफैक्ट अब मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरा जो पहले के और अब में काफ़ी लेवल में काफ़ी खुद में चेंजिंग आई है, तो इस चीज़ को यदि आप करना चाहते हो तो आप कर लो। यदि आप सेकेंड ईयर में हो तो आप MCA कर लो, MCA की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, सरस सर की पेन ड्राइव ले लो, उनके यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़े हैं उनसे आप देख लो। यदि आप यहाँ आकर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए सर बता देते हैं आपको इतने से दो से तीन घंटे डेली BCA पे देना है, या फिर उसके बाद जो सुबह 8 बजे मैं आता था और रात को 8 बजे तक रुकता था, इनफैक्ट कभी कभी 10 बजे 9 बजे भी रुक जाता हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं पहले BCA करता हूँ, BCA की प्रिपरेशन कर लिए 2-3 घंटे दिन में कभी भी, और बाकी टाइमिंग जो है वो मैं मैथ्स पे देता हूँ। मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, अपने हिसाब से मैंने टाइम को दे रखा है कि मैं इस तरीके से टाइम को मैनेज करूँगा। तो यदि आप यहाँ आकर पढ़ाई करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप NIMCET करना चाहते हो, NIMCET में अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो आपको अभी से अवेयर होना पड़ेगा। बस थैंक यू सो मच एंड मेनी थैंक यू।